नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर में एक स्लोगन, एक डायलॉग सुना होगा आपने कि सूट पृथ्वी से ही लेना नहीं तो घोड़ी हिनहिनाएगी। आज उस डायलॉग के, आज उस संस्थान के मालिक पृथ्वीराज आयलानी हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में आए इसके पहले हम एक छोटी सी बात उनके बारे में बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीराज आयलानी बीते 42 वर्षों से कपड़ों के कारोबार में अपने आप को छोटे से कारोबार शुरू करके और आज एक बड़े कारोबारी के रूप में न सिर्फ सतना जिले में बल्कि विंध्य क्षेत्र में उनका अपना एक मुस्तकिल नाम है। तो मैं आवाज देता हूं पृथ्वीराज आयलानी जी को। नमस्कार केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है पृथ्वी जी आपका हमारे स्टूडियो में। सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी जी। ये हमारा एक टैगलाइन है, टैगलाइन है जो ईश्वर की कृपा से आज गांव-गांव में जाना जाता है। और एक मजे की बात यह है कि मैं कई बार लोगों से कहता हूं पृथ्वी भाई कि किसी भी शहर में आप चले जाइए या सतना शहर की ही बात करें तो सतना शहर में भी 500 से हजार समोसे की दुकानें होंगी। लेकिन जो बड़ी संख्या में समोसा बेचते हैं वो गिनती की दो ही तीन दुकानदार हैं। ये तो बात सही है। इसी तरीके से मतलब मुझे लगता है कि आप 42 वर्षों से कपड़े के व्यवसाय में हैं और आज, पहले कपड़ों का अपना एक मार्केट हुआ करता था, आज ऐसा शहर का कोई वार्ड नहीं है जहाँ कपड़ों की दुकान ना हो। मतलब हम ये कहें कि गली गली कूचे कूचे में कपड़ों की दुकान खुल गई है, लेकिन उन कपड़ों की दुकान में एक विशिष्टता, कपड़ों की दुकान में एक भव्यता, कपड़ों की दुकान में एक नाम, कपड़ों की दुकान में एक पैशन, कपड़ों की दुकान में मतलब एक वैरायटी, क्वालिटी, व्यवहार, माने एक जो संपूर्णता होती है किसी दुकान में, जो किसी के व्यवसाय में, वो कहीं ना कहीं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है आज की तारीख में, नयापन। केशव जी, मैं आपको बीच में ये बात आपने बहुत की, मैं खास बात नहीं है जी, पर मैं एक चीज़ इसमें आपको कह दूं जी, और आपके दर्शक हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि विशाल खबर अब धीरे धीरे बहुत ही ऊंचाई पर जा रहा है। मैंने भी इसका नाम सुना है जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज पूरी दुनिया में दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, समोसे की दुकानें जैसे आपने किए कहीं, तो आपके समोसे में कोई खास आलू में मसाला होना चाहिए जी। आपकी दुकान में क्या चीज़ खास है, आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं? अरे भाई, कपड़ा तो सबको ही देता है, पैसा भी सबको ही लेता है जी, लिफाफा भी वही देता है, लाइट भी उतनी ही जलती जी। आपके अंदर कुछ खास होना चाहिए तभी ना ग्राहक आपके पास आएगा जी। तो वो खास चीज़ है जी, हमारा जो अपना व्यवहार है ग्राहकों के प्रति, हमारा जो आदर भाव है, प्यार है जी, और खुद का इंटरेस्ट केशव जी, जी कि अगर आज मेरे घर में शादी है जी तो मैं क्या पहनूंगा जी, मेरे चेहरे पे क्या सूट होगा जी, मेरी लंबाई इतनी है, चेहरा गोरा है, काला है, मीडियम है जी, तो मेरे चेहरे पे, मेरे शरीर पे क्या सूट होगा जी, उसका हम बराबर ध्यान रखते हैं जी, और तरोताजगी बनी रहती है, हर पल कुछ नया देने की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। आपका कपड़ों के कारोबार में एक बड़ा नाम है, तो आपने कपड़ों का व्यवसाय कब शुरू किया और कहाँ से शुरू किया, मतलब ये पूरा जो सफ़र है उसके बारे में, मतलब क्या होता है कि आज पृथ्वी राज को बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन पृथ्वी राज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शकों, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दर्शक ये जाने कि जिस जीरो से, जिस शून्य से जो सफ़र शुरू किया था आपने, वो यहाँ तक का जो सफलतम सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ और आज मैं, मुझे याद है केशव जी जी, मैं 14 वर्ष का था जी, और मैं उस समय 6वीं या 7वीं में पढ़ता था जी। मेरे ऊपर एक प्रेशर आया, घर का दबाव आया कि भाई एक आमदनी कम हो रही है जी, और मेरे पिता अकेले पढ़ रहे थे जी, मेरी बहन भी बड़ी थी, उसकी शादी करनी थी जी, तो भाई तो हम लोग चार थे लेकिन सारे मेरे से छोटे थे, मैं सबसे बड़ा था जी। तो मैं पढ़ाई के बीच में ही जी अपनी दुकानदारी में कूद गया जी। और मुझे याद है कि स्टेशन रोड में जी
मैं 14 वर्ष का हूँ और ये सन 79 की बात होगी जी। और मैं उस समय व्यवसाय में इंट्री आधे अधूरे से आ गया था जी। और मेरे बाबूजी की ईश्वर क्लॉथ स्टोर दुकान हुआ करती थी जी, तो मैं खुद झाड़ू लगाता था रोड में जी, दुकान की सफाई करता था, सुबह सुबह मटका भरता था। पिताजी हमको इंटरेस्ट समझाते थे कि तुम मेहनत करो, ईमानदारी से तुम मेहनत करो, प्रयास करो, तो तुम एक दिन बड़े दुकानदार बन सकती हो। तो उस दिन से मैं आ गया और मेरा एक सपना था कि मैं एक बड़े शहरों की भांति कोई शोरूम खोलूं जी, और मेरे यहाँ लोग बड़े शान मान से कपड़ा लेने आए। तो ये सपना धीरे धीरे साकार होता गया जी, और मैं आज 42 वर्षों से अपने इस व्यवसाय में हूँ। पर मैं बहुत छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में आ गया था। आपने शुरुआत तो बहुत छोटे लेवल से की थी, बहुत छोटे लेवल से, लेकिन ये जो कामयाबी की कहानी है, हाँ। उस कामयाबी की कहानी में क्या क्या, माने आपने कौन कौन से हुनर अपनाए, कौन कौन सी टिप्स अपनाई, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि कपड़े की दुकानें तो आज गली कूचों में है, लेकिन पृथ्वीराज को, पृथ्वी माने जो आपने बताया कि ईश्वर के नाम से हमारी दुकान थी, ईश्वर क्लॉथ स्टोर, तो ईश्वर क्लॉथ स्टोर से बाहर निकल करके आपने जो पृथ्वीराज को एक बड़ा नाम, एक बड़ी, वो मुझे याद है केशव जी, जी हमारे बाबूजी का नाम श्री ईश्वरदास आइलानी था जी, और हम लोग कच्चा कपड़ा बेचते थे, लट्ठा पॉपलिन जी, 15 हाथ की धोती जी। मैं आपको बता दूं, बड़ी सुनहरी यादें मेरे अंदर हैं जी, जी। 15 हाथ की धोती, उस समय बस स्टैंड जो आज यहाँ देख रहे हैं आप, हाँ। सेमरिया चौक पे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में ही रह बगल से था जी। और सुबह सुबह जब हम लोग आते थे जी, तो वो गांव से लोग लेने आते थे, 15 हाथ की धोती लेते थे जी, जिसमें पेटीकोट नहीं होता था जी जी। और वो जमाना मैंने देखा अपने आंखों से, और बाबूजी जो थे 15 हाथ उनको नाप के दिखाते थे, 1, 2, 3, 15 हाथ जी। तो बड़े अच्छे यादगार हैं मेरे साथ। और फिर मैंने ये सोचा कि भाई ये बहुत हो गया, मुझे पैंट शर्ट बेचना चाहिए जी, क्योंकि चूंकि मैं भी शौकीन था कपड़े पहनने का, मैं बचपन से शौकीन रहा हूँ जी। तो आपके अंदर जो गट्स होते हैं जी, वो आपको नया मुकाम, नई ऊंचाई देते हैं, अगर आप उसको व्यवसाय में ढाल लें जी। तो मेरे अंदर एक मन में एक तमन्ना थी कि मैं पैंट शर्ट बेचूंगा जी। तो मैंने एक शुरुआत फिर सन 80 में, छोटी सी दुकान थी, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 7 फुट जी, जैसे पान की दुकान हुआ करती थी जी। तो उस समय मैं पैंट शर्ट वो बाहर लगाता था, पैंट का पीस जो था ऐसे फोल्ड करके इस तरह बनाता था जैसे वो रेडीमेड लगे। शर्ट की कॉलर भी मैं कपड़े से बना लेता था, उसमें आलपिन वगैरह डाल करके मैं उसको रेडीमेड का लुक देता था, मैचिंग करके और टांगते थे। और जिस तरह से मैंने टांगना शुरू किया, वो कभी भी कोई दुकानदार ऐसा टांगता नहीं था। आज आप जो गली गली कूचे कूचे में ये टंगे हुए कपड़े देख रहे हैं, उसकी पहला ईश्वर साक्षी है, मैंने ये शुरुआत की थी जी। और मैं उस समय लोग मुझे बोलते थे कि यार तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्यों टांगते हो जी। लेकिन मैंने उनको कहा कि गंदे हो जाने दो, लेकिन जो दिखता है वही वो बिकता है। और उसका धीरे धीरे मुझे उसका बेनिफिट मिलने लगा, लोग दूर दूर से आने लगे, और मैं तरह तरह के कपड़े बेचता था जी। और लोग छोटी सी दुकान में मेरी खड़े होकर के इंतजार करते थे कि ग्राहक निकले तो हम अंदर जाएं। तो इस तरह से ऐसे कामयाबी मिलती गई। वो स्टेशन रोड के बाद पहली दुकान आपकी कहाँ थी और कैसे? स्टेशन रोड में मेरी पृथ्वी के नाम से दुकान थी जी, किशोरी भंडार 2 दुकान आगे मेरे था जी। और मैं आपको एक, आपके दर्शकों को बात बताना चाहता हूँ, और आज के युवा को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, और मेहनत के बीच में आपको बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। आपके मन में ये भी कभी आएगा कि अरे यार ये न हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप जुटे रहिए। मैं जुटा रहा और मैं वो छोटे से दुकान में 7 फिट में एक सपना देखता रहा कि एक दिन मेरा टाइम आएगा। मैं 6 बजे सुबह को केशव जी दुकान खोलता था, 6 बजे जी। क्यों? महाकौशल एक्सप्रेस 6:30-6:30 बजे आती थी जी। उसमें से आर्मी वाले, मिलिट्री वाले उतरते थे जी, तो मैं उनको कपड़ा देता था, फिर वो घर ले, और वो अपना कपड़ा लेके घर जाते थे। दूसरी दुकानें 9 बजे खुलती थी, इससे पहले मैं अपनी बढ़िया 1,000-2,000 की बिक्री करके रीत जाता था उस जमाने में। उसके बाद एक कोई संस्थान आपका डैनी के नाम से, हाँ, इसके बाद फिर मैंने अपने बाबूजी की ईश्वर क्लॉथ स्टोर दुकान को एक नया मॉडिफाई किया जी। उसके बगल में एक और दुकान खरीदी जी, दुकान बड़ी हो गई जी। उसमें मैं उस टाइम सन 88 में रेडीमेड कपड़ा चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था जी। तो रेडीमेड कोट बेचने लगा जी। और मैंने एक विज्ञापन दिया जी,
अखबार में, देशबंधु अखबार था उस समय, दैनिक भास्कर भी था जी। उस समय मैंने, मुझे बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है जी, और मैं बड़ा उसमें एक्टर होने का भी मुझे बड़ा लाभ मिला जी। तो मैं उसमें, और लेखन में भी मेरी रुचि थी, तो मैंने एक टैगलाइन लिखी कि डैनी आ रहा है जी। अब उसके नीचे कुछ नहीं जी, और रोज वो विज्ञापन निकलता था, तो लोग सोचते थे कि डैनी आ रहा है, फिल्म हीरो डैनी आ रहा है, और सारे शहर में हल्ला मच गया कि डैनी सतना आ रहा है जी। अब फिर बाद में जब एक दिन मैंने अचानक दुकान की ओपनिंग की और उसमें लिखा कि डैनी आ गया है और डैनी की दुकान वो स्टार्ट हो गई। डैनी मेरी एक नाम था मैंने जी। फिर बाद में मैंने अपने भतीजे का नाम डैनी रखा, और डैनी मेरा एक प्रिय अभिनेता था जो फिल्मों में आप डैनी देख रहे हैं जी, वो मैं उसका फैन था जी। तो डैनी आ रहा है, और फिर डैनी दुकान खुल गई, अब वो बहुत अच्छी चलने लगी। इसके बाद तो फिर मैं हनुमान चौक में गया जी, वहाँ मैंने पृथ्वी मेंस शोरूम खोला जी, जो कि डबल स्टोरी का दो मंजिला शोरूम था जी। वहाँ से मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलना प्रारंभ हो गई। फिर वो हनुमान चौक के बाद भी, हनुमान चौक के बाद फिर मैं जय स्तंभ में आया। ऐसे मेरा ट्रांसफर होता रहा जी, भगवान मुझे नए नए स्थान प्रदान करता गया, और मैं जहाँ भी गया जी मैंने सबके साथ प्रेम किया जी, पड़ोसियों के साथ प्रेम, आज तक मेरा किसी से कोई विवाद नहीं जी। जहां मैं जाता वो बाजार नहीं होता था जी, और मेरे जाने के बाद एक दो साल में उस मार्केट की वैल्यू बढ़ती भगवान की दया से, मेरा मैं अपने घमंड से नहीं कह रहा हूँ, हाँ, बड़ी नम्रता से कह रहा हूँ जी। उस मार्केट की वैल्यू बढ़ती, वहां बाजार हो जाता जी। फिर मेरे को भगवान और धक्का दे के आगे भेज देता, फिर मैं भरूत नगर पहुंच गया, रीवा रोड पहुंच गया, वहां भी आपने एक नया बाजार डेवलप कर दिया। सब ईश्वर की, सब ईश्वर का बना बनाया है जी। मैंने मेहनत की, ईश्वर ने मेरा साथ दिया, ये आगे बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि बड़ा कारोबार तब बड़ा होता है जब आप बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका कारोबार बड़ा है, तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की हो, जिस तरीके से आपने बताया 14 साल में आप जब व्यवसाय में आ गए, तो दो तरीके के सवाल मेरे दिमाग में, या तो आपने बहुत पढ़ाई की होगी और या तो आपने पढ़ाई कम की। मैं नौवीं फेल हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है जी, क्योंकि मैं, और ये मेरा एक माइनस पॉइंट है जी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ जी। और मैं आज सबसे बोलता हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है जी, पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, एक मजबूरी थी। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जब नौमी फेल है तब आपने इतना करिश्मा किया है, नहीं वो तो भगवान, लेकिन अगर आप कहीं माने MBA होते नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि पृथ्वीराज की पूरे देश में एक चयन होती जिस तरीके से। नहीं, फिर मैं कुछ और होता, फिर मैं दुकानदार नहीं होता, फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता था जी, और शायद भगवान को यही मंजूर होगा, मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई जी। फिर मैंने कई बार कोशिश की जी, प्राइवेट एग्जाम देने का मैंने सोचा, लॉ करने का सोचा जी, लेकिन चूंकि मेरी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि हम पढ़ाई नहीं कि वो, फिर भगवान ने मुझे कहा कि तुम यहीं ठीक हो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि ये मन में टीस मेरे है, मैं उतना पढ़ नहीं पाया, कॉलेज नहीं जा पाया, जबकि मैं आज सबको कहता हूं, मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है जी, मेरे भतीजे भतीजियां सब लोग बॉम्बे दिल्ली पूना से पढ़े हुए हैं। अच्छा, अब चूंकि मैं ये, मैंने ये मेरे मन में था कि मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, पढ़ाई मैंने कम की है मैं पढ़ा कम हूँ केशव जी, लड़ा ज़्यादा हूँ। मेरे पिताजी मुझे एक शब्द ये भी कहते थे कि अगर पढ़ाई न कर पाओ तो लड़ाई जरूर करो, तो ईश्वर की दया से ज्ञानियों का मुझे साथ बहुत मिला, पढ़े लिखे लोगों का साथ मिला मुझे मिला, मैंने भाषा पे पकड़ भी बने रखी, इंग्लिश में भी मुझे अच्छा ज्ञान बाद में हुआ जी, टॉकिंग इंग्लिश करता था, पढ़ लेता था, अखबार अंग्रेजी पढ़ता था, लेकिन ये बात सही है कि जो आप पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं जी, उसका महत्व तो है। तो आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर में मेरे ऊपर जवाबदारियां आती गई जी, और आर्थिक जो समस्या थी वो आड़े आती थी जी, घर चलाने में जी। अब चूंकि मेरा सपना था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ी शोरूम खोलूं जी, तो पढ़ाई पे अगर ध्यान देता हूं, तो बाबूजी जो थे बेचारे अस्वस्थ रहते थे जी, तो वो दुकान देख नहीं पाते थे जी। अब मैं अच्छा सेल्समैन साबित हुआ, ग्राहकी बढ़ती गई जी, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया जी। फिर मैंने कहा देखा जाएगा भाई, पढ़ाई को भी देख लेंगे बाद में, अभी तो दो पैसा कमाओ, क्योंकि देखिए आज रोजी रोटी बहुत जरूरी है जी। और ये बात थी, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ पाया मैं। अच्छा, आपने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई बड़ी या छोटी कोई चोरी वोरी की आपने कभी? चोरी जी, हाँ चोरी की है
14 साल का जब था मैं जी, तो वो मैं दुकान में आ गया जी। फिर तो मेरी चोरी वोरी सब छूट गई क्योंकि जवाबदारी आ गई। पर जब मैं जवाबदार नहीं था जी, तो मेरे को 25 पैसे मिलते थे केशव जी घर से। हाँ, तो 25 पैसे मिलते थे, लेकिन मैं खाने पीने का भी बड़ा शौकीन था। मतलब अच्छी कोई बर्फी खाना है, चॉकलेट खाना है जी। अब मेरे स्कूल में सिंधु विद्या मंदिर का मैं पढ़ने वाला हूँ, आज भी मेरे सहपाठी जो है, मेरे जो गुरु हैं, वो मुझसे मिलते हैं जी। बड़ी खुशी होती, पढ़ाई बहुत अच्छी थी सिंधु विद्या मंदिर जी। वहाँ पर जो बच्चे थे और वो बड़ा इंजॉय करते थे, इंडियन कॉफ़ी हाउस भी बड़ा पुराना, वहाँ जाते थे। तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास काश 2 रुपए होते जी, 1 रुपए होता जी। तो मैं एक दिन क्या हुआ कि आज मैं अपनी परत खोल रहा हूँ कि बाबूजी जब बिक्री करके अपना पैसा तिजोरी में कबड़ में रखते थे जी, तो गिन के रखते थे जी। लेकिन वो एक गड्डी जो थी 5 की नहीं रखते थे, जैसे नए नोटों की गड्डी होती है ना जी जी। तो केशव जी, मैं सोचता था कि यार इसको तो बाबूजी गिनते नहीं है जी। तो उसमें बीच में से एक गड्डी में से 5 का नोट मैं निकाल लिया जी। आपको मैं बताऊं, उससे मैंने खूब चॉकलेट उस दिन खाए और सब भर पेट भोजन किया, मस्त आनंद लिया जी। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरी हैबिट बन गई। मैंने अपने छोटे भाई को बताया, उसको शामिल कर लिया, तो वो भी बोलने लगा कि चलो यार एक और नोट चुराते हैं। तो ऐसे करते करते एक दिन गड्डिन पूरी खाली हो गई। तब मैं पकड़ा गया, चोरी और बहुत मार खाया बाद में। फिर वो चोरी तो मुझे याद आज भी है जी। लेकिन फिर मैंने कभी चोरी नहीं की। फिर मतलब एक चीज दिमाग में आ गया, फिर दिमाग में आ गया कि चोरी नहीं करना, मेहनत से काम करना है। अच्छा, बहुत सारी यात्राएं भी आपने की होंगी, तो कभी बिना टिकट यात्रा किया आपने, और कभी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? जानबूझ के मैंने बिना टिकट यात्रा नहीं की जी। लेकिन हाँ, मुझे एक अच्छी तरह याद है कि मैं एक बार जबलपुर से आ रहा था जी, और ट्रेन सामने थी। अगर मैं टिकट लेता हूँ तो ट्रेन छूट, तो ट्रेन छूटती है, और इसके बाद ट्रेन थी नहीं जी। तो मैं चढ़ गया अनजाने में। अब मुझे लगा कि मैं भगवान का, फिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी, जो चोर होता है, वो जो चोरी से चढ़ता है, टिकट नहीं है उसके, तो वो चढ़ाता रहता, तो चेहरा अलग दिख जाता है कि इसके पास टिकट। तो मैंने एक अपने मित्र को बताया कि यार मैंने टिकट नहीं लिया भाई। तो बोला कोई चिंता मत कर यार, आएगा नहीं टीटी। कई दिन से मैं रोज जाता हूँ, मेरा तो पास बना हुआ, लेकिन टीटी आता ही नहीं। लेकिन भाई साहब विश्वास कीजिए, उस दिन टीटी को आना था, आके सीधा मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला भाई टिकट। तो मैं घिंघिया गया, घबरा गया। तो उसने मुझे बढ़िया अपने साथ बैठाए रखा, बोला कितना पैसा है। तो मैंने बताया उसको, लेकिन 17 तक उसने जो मुझे परेशान किया, फिर बाद में रसीद भी उसने काटा जी। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये एक मेरी बिना टिकट की यात्रा भी यादगार रही, और उस दिन के बाद फिर मैंने बिना टिकट, चाहे मेरी ट्रेन छूट जाए, छूट, मैं टिकट लेके ही यात्रा करता हूँ। स्कूल लाइफ से लेके इस पूरे बहुत तरीके के ग्राहक भी आए, बहुत सारे तरीके जीवन में बहुत सारे लोगों से आपका सामना हुआ, मतलब इस पूरे जीवन काल में कभी आपको मोहब्बत हुई ग्राहकों में? आप मतलब कहीं भी मने कभी, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ग्राहकों से मोहब्बत हो गई, किसी ने इस तरीके का प्रपोजल रखा, या कई बार ग्राहकों से स्कूल टाइम में मोहब्बत हो गई? स्कूल टाइम पे जब मैं पढ़ता था केशव जी, देखिए एक अवस्था होती है, जब 15-16 साल 14 साल की अवस्था होती है, वहीं से कहीं ना कहीं एक चिंगारी भड़कती सुलगती रहती है। भड़कती तब है जब आप आपके से बाहर कॉलेज लाइफ में। लेकिन हाँ, एक लड़की थी जी, मुझे उससे क्रश था, बहुत प्यार उससे, मतलब लगता था कि यार यही मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूँ जी। लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं थी, और फिर वो बाद में जो है कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मामला बनेगा नहीं जी, और मुझे भी बड़ी जवाबदारियाँ आ गई। लेकिन सच में बता रहा हूँ आपको कि वो हाँ, एक मोहब्बत सबको होती है, वन साइडेड थी। मैं उसके सामने कभी अपना प्यार रख नहीं पाया, इजहार नहीं कर पाया। लेकिन बाद में भी कई सालों तक वो सपने में आती थी। अच्छा अच्छा नहीं, लेकिन कभी मतलब शादी के बाद भी कभी वो उससे मुलाकात हुई, तो आपने कभी ये व्यक्त नहीं किया कि हम यार अंदर ही अंदर तुम्हें चाहते बहुत थे लेकिन हम कह नहीं पाए? नहीं, फिर एक प्रोग्राम के दौरान फिर मैंने उसको बहन मान लिया। क्योंकि क्या था कि मेरा भी प्रपोजल फिट हो गया था, मेरी भी शादी होने वाली थी, फिर बाद में वो प्रपोजल जो है मैंने अपने सारा जो मन का वो था, मन का प्रेम, वो मैंने अपने, मेरे पत्नी बहुत सुंदर मिली जी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट जी, तो जब मेरा अच्छा विवाह मेरे पिता ने करवा दिया जी, तो ये सब सारी चीज़ें जाती रहीं। हाँ,
उस लड़की से मुलाकात जब हुई ना तो ऐसी स्थिति में हुई कि जब मैंने देखा कि यार उसकी भी सगाई हो रही है जी, तो मैंने उसको अपने बहन ही बना लिया। अपने को लगा कि यही कर लेने में। आपने वो नहीं देखा एक पिक्चर में कि सारे मोहल्ले की सुंदर सुंदर लड़कियां डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं, अपन तो बाद में बहन ही बना लेते हैं। लेकिन इतने सारे मैंने कपड़े के कारोबार में आप बड़ा नाम पैदा किया, लेकिन आपको जैसा कि बातचीत से अभी लगा और हम सुनते भी रहते हैं कि आपको अभिनय का भी शौक था। हाँ, तो ये अभिनय का शौक कहाँ से आया और अभिनय की दुनिया में आप कैसे पहुँचे और अभिनय करने की ललक कहाँ से पैदा हुई? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जो कपड़ा बेचना है ना जी, वो एक अभिनय से बिकता है जी, कला से बिकता है जी। आप ब्लैक पैंट मांगने आ जाइए जी, लेकिन आप जल्दी से लेते नहीं जी, आपको ब्लैक 10 ठो रखना पड़ता है। देना आपको यही पैंट है और अच्छा भी है उस ग्राहक के लिए, लेकिन आप घुमा फिरा के 10 पैंट रख दीजिए, फिर आप दिखाइए, फिर आप बोलेंगे कि नहीं साहब आपके लिए तो यही ब्लैक अच्छा है, तो ग्राहक उसको स्वीकार करता है। और मैं आपको बता दूँ कि जब वो पुराना ज़माना था तो अभिनय कहाँ से पैदा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जब शादी के लिए कपड़ा लोग लेने आते थे ना जी, तो शादी के लिए जब कपड़ा लेने आते थे तो लड़का भी सीधा होता था जी, लड़के का जो बाप था पिता माता वो भी सीधे होते थे, लेकिन लड़के की जो फूफी होती थी फूफी वो बड़ी टेढ़ी होती थी। हाँ, वो अड़ंगा मार देती थी कि ना ले आवे हेंटे, कपड़ा निकाह नहीं दिखावे, हाँ, या मेरे का नहीं अच्छा लागे, चला दूसरा दुकान चली। तो हमको बड़ा गुस्सा लगे, यार इतनी ज्यादा कपड़े हमारे यहाँ हैं, हम दिखा रहे हैं, लड़का पसंद भी कर रहा है, तो ये फूफी जो है अड़ंगा बीच में टांग घुसेट रही। तो फिर हम लोग अभिनय करते थे जी, वो फूफी को चाय कॉफी पिलाते थे और उसका हाल चाल पूछते थे, यहाँ वहाँ की बातों में से एक कोई ना एक कोई पॉइंट हम पकड़ लेते थे, फिर फूफी से बातचीत जारी कर लेते थे। जब बातचीत करते थे 5-10 मिनट केशव जी, तो वो फिर जो है वो हमारे बातचीत में ग्लैड हो जाती थी, और फिर उसके बाद वो सोचती थी कि चलो यार ये ठीक लड़का लग रहा है, चलो यहाँ लेते हैं कपड़ा। फिर वो एक आध चीज में हाथ रख देती थी कि हाँ यह ठीक लागत है, यही पहर के देखा दाऊं, तो एक ठे पहर के देखा दाऊं, इसके बाद फिर वो काम काम शुरू हो जाता था। और हम लोग अभिनय का जो है हम आज भी खा रहे हैं, सच बता रहे हैं, अभिनय बहुत जरूरी। आपके अंदर कला है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग साड़ी भी बेचते हैं, कई बार मैंने सुना कि साड़ी बेचने वाला जो एक सेल्समैन होता है वो भी कहीं ना कहीं अभिनय करता है, वो पहन माने परत बना करके पहनता है, वो के दिखाता है। हमारे यहाँ खुद ऐसे लड़के हैं, हमने सिखाया उनको कि इस तरह से आप बढ़िया ऐसे चुन्नट बना के खोसिए और ऐसे सर पे पल्लू डाली, ऐसा आड़ा पल्लू डाली। तो अभी हमारे यहाँ एक हैं जायसवाल जी, उनकी मूछें हैं, चश्मा भी लगा है, तो जब वो ऊपर से रखता है पल्लू जी, तो मैं लेडीज को बोलता हूँ देखिए कभी आपने मूछों वाली दुल्हन देखी है, देख लीजिए इसको। तो वो हंसते हैं और उसमें ग्राहक जो है ग्लैड हो जाते हैं, ग्लैड हो जाते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो अभिनय है। अभिनय आपको लेखन का भी शौक था, कविताओं का भी शौक था? लेखन का भी शौक, कविताओं का। देखिए मेरा ऐसा मानना है जी कि हर इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा है, बिल्कुल एक लेखक छुपा है जी, एक कहानीकार छुपा है, बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि उसको मौका, वो अपना लेखन निकाल पाता है नहीं निकाल पाता, अपनी एक्टिंग को निकाल पाता है नहीं निकाल पाता जी। हमने ईश्वर की कृपा से एक अपना एक गोल फिक्स किया जी कि हम ऐसे 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 बढ़ेंगे धीरे धीरे जी, 25 सालों में 20 सालों में हमने 28 सालों में तरक्की पा ली। इसके बाद फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक ज्ञान होता है जी कि कैसे आदमी को जीवन जीना चाहिए जी, आज की दुनिया जो है केशव जी, 90% दुनिया दुखी इसलिए है कि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा सुखी जी, और ये चीज जो है बहुत खराब है आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी आत्मा के लिए भी जी। और मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैं बढ़ रहा हूं तो सामने वाला भी बढ़े, और सामने अगर पेड़ हरा होगा तो मेरा पेड़ भी हरा रहेगा। बिल्कुल, सूखा पेड़ आपके सामने रहेगा तो कैसे आप हरा रह पाएंगे, हरा रह पाएंगे आप? बिल्कुल। तो हमेशा अपनी पूरी दुनिया बगिया आसपास को आप हरा भरा बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए। तो ये मैंने जो अपना अंदर जो था, तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपने अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं जी, उसको लेखन के जरिए, उसको एक्टिंग के जरिए, तो इसी तरह मैंने छोटी छोटी 2-3 फिल्में भी बनाई जी। मैंने बहुत सालों तक लेखन का काम भी किया है जी। कादम्बनी एक पत्रिका थी हिंदुस्तान टाइम्स की जी, उसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे लेख छपे हुए हैं जो आज भी मेरे पास मौजूद है जी। और उसका 300-400 रुपये मेहनताना भी मुझे मिलता था जी। और 20-22 साल मैंने दैनिक भास्कर में भी लिखा है जी।
देशबंधु में मैंने लिखा है जी जी, तो साथ साथ ये चलता रहा। तो आपने कविताएं भी लिखी हैं, तो हाँ। कविता अगर आपकी मनपसंद कविता हो या कोई याद हो तो हमारे दर्शक। कविताएं तो मेरी बहुत हैं जो कि पेपर में भी छपी हैं, लेकिन आज ही मैं एक लिख रहा था, पर चूंकि आपने बुलाया तो मुझे याद नहीं थी, मैंने कागज पर लिख के आया हूँ जी जी। तो मैं स्वयं का जो लिखता हूँ जी, और अभी सोचता हूँ कि वो एक कविता ही है जी जी। अब उसमें तुकबंदी ना भी हो, लेकिन मन का भाव जो है, आजकल तो अतुकांत कविताएं भी बहुत जी। और मेरा ऐसा मानना है जी, जो मेरा मानना है जी, दो लाइनों की कविता ये आप पूरे सुनिए जी। शोर से कहीं बड़ी होती है शांति जी, शोर से कहीं बड़ी होती है शांति, जब चीख गूंजती है बड़ी देर तक जी। मस्तिष्क का द्वंद जब उथल पुथल कर देता है मनुष्य को, छटपटाहट झुंझलाहट और बेचैनी जी, और दुनिया भर की परेशानियों के पास भी अपना कोई मुकाम नहीं होता, तो सभी ये एक जगह शांति के मुकाम पर आकर ही समाप्त होते, क्योंकि शोर से कई गुना बड़ी होती है शांति। जब हवाएं चलती हैं आंधी आती है तूफान लाती हैं, जब हवाएं चलती हैं आंधी आती है तूफान लाती है, समुंदर से लहरें उठती हैं, सब कुछ हो जाता है तहस नहस, पर देखना उस तांडव के बाद, उस शोर के बाद शांति उतनी ही विराट नजर आती। दुनिया भर के तूफान और समुंदर जैसा शोर आज मनुष्य के असंतोष रूपी मस्तिष्क में, भाई केशव जी आज कितना शोर है, सही बिल्कुल है। यह शोर मानव जीवन के अंत को लेकर आता है, और तब हम फिर कहते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक चीज ये जानना चाह रहा था कि आपने 42 वर्षों का सफर अपने कारोबार में किया है, तो एक ऐसा कोई अनुभव होगा कि सिंगल क्लिक में जब आप अपने मस्तिष्क को माने कि वो नहीं, माने वो ग्राहक नहीं भूलता या वो फलसफा नहीं भूलता, तो ऐसा कोई अनुभव व्यवसाय का कि वो चीज़ नहीं भूलती। बिल्कुल, माने यादगार पल होता है ना व्यवसाय का। मैं आज आपको बता दूं जी कि एक बार मेरे दुकान पर एक लेडी आई जी, और मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी जी, और बहुत देर बाद जब वो पेमेंट करने के लिए मेरे काउंटर पे आई, मैं बैठा हुआ था कैश काउंटर पे, तो उसने पूछा कि आप पृथ्वीराज हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो बोली मैं कन्हैया लाल सिंह जी की वाइफ हूँ जी। मैंने कहा कन्हैया लाल सिंह जी? बोले हाँ, हम ग्राम चूंद से आए जी, और मेरे पति शहीद हो गए जी, और वो आपके ग्राहक थे जी। मैं उसका वक्तव्य सुनने के बाद एकदम हैरान हो गया जी, और मुझे याद है कि कन्हैया लाल सिंह जी कारगिल के युद्ध में शहीद हुए और मेरे ग्राहक थे जी, और वो गांव चूंद के थे जी, और वो मेरे पास कपड़ा लेने आते थे, बोल के गए थे कि मैं अपने छोटे भाई की शादी करूंगा, आपके यहाँ आऊँगा। फिर मैंने उनका पेपर में चेहरा देखा और उनका पार्थिव शरीर, शहीदों का जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जी, और उनका जो शव है जी, तिरंगे में लपेट करके सतना लाया गया था जी, अंतिम दर्शनों के लिए मैं भी गया था जी, और वो एक मुझे याद भूलती नहीं। और फिर मैंने जी, उस गांव में जब गया और वहां की समस्याएं देखी, तो उस पर मैंने एक फिल्म बनाई सलाम चूंद, आज वो यूट्यूब पर है जी, 50-60 हज़ार लोगों ने उसको देखा है जी। और उस फिल्म के बनने के बाद केशव जी, मैं आपको बड़ी नम्रता से बताना चाहता हूँ कि उस गांव में रोड नहीं था, हमने उस समय के स्थानीय कलेक्टर को वो फिल्म दिखाई, एक शो किया जी, और वो रोड भी बना, मेहूती से लेकर के चून तक का 3 किलोमीटर का लंबा रोड बना उस फिल्म के बाद। वहाँ के अस्पताल में डॉक्टर आ गए और खाद बीज का वहाँ केंद्र बनाया गया जी, और विद्यालय में मास्टर नहीं थे वो भी हुए, तो आज भी मुझे चूंद गांव के लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं वहाँ गया, उस फिल्म की मैंने शूटिंग की और सारे जितने भी उस गांव से 5 लोग शहीद हुए केशव जी जी, और वो गांव शहीदों का गांव कहलाता है। आज भी 80% लड़के चूंद गांव के हमारी सेना में हमारा मस्तक ऊंचा किए हुए, हमारे सतना का विंध्य क्षेत्र का नाम ऊंचा किए हुए। मतलब अगर आप कहें कि चूंद सतना का अभिमान है, चूंद सतना का हिमालय है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं सतना में रहता हूँ, चूंद गांव के लोगों को मैं जानता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से एक अच्छी घटना आपको याद है, इस तरीके से व्यवसाय में कोई ऐसी घटना भी याद होगी कि अरे यार कहाँ फंस गया, ये कहाँ से आ रहा है ग्राहक, मैंने कोई ऐसा वाकया भी होगा जो अपने दिल दिमाग को झकझोर के रख देता होगा कि कहाँ से हम इस व्यवसाय की दुनिया में आ गए, किस तरीके का एक नहीं, ऐसे अनुभव रोज होते हैं
मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए आज लोगों में असंतोष और ईर्ष्या जी और लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है जी। किसी भी आप ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ही है, सबके साथ जी, सबके साथ। अगर आप सफल हो जाएंगे आपको लोग एकदम से दूसरी दृष्टि से देखेंगे जी, कि इसने कैसे कमा लिया, किस कैसे हो गया। तो हम उनको बड़ी नम्रता से जी, उस पत्थर को उस नम्रता के पानी से झेलते हैं जी, और हम ऐसे अनुभवों को कभी हम उसका जवाब नहीं देते। हमको हमेशा कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा ये विचार ऐसा है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हम हमेशा सभी अपने मित्रों से कहना चाहते हैं कि आप आज देखिए रोड में आप चलिए जी, आप रोड में चलते चलते आप देखेंगे दो गाड़ियां आपस में सामने आ जाती हैं और उसको निकलने की साइड नहीं मिलती, तो दोनों का आप अहंकार देखिए, न वो साइड होना चाहता है न वो साइड होना चाहता है, और मामूली सी तिनके जैसी बात में भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन आप अगर सामने वाले को ये कहें कि भैया मुझसे गलती हो गई, आप निकल जाइए, तो आपका समय भी खराब नहीं होगा और आप छोटा सा विवाद पाल करके सारा दिन टेंशन में रहते हैं। आज बड़ा कोई नहीं, हर कोई बड़ा है। कोई भी छोटे से छोटा इंसान आप उसमें देखेंगे तो वो यही सोचता है कि मैं कलेक्टर हो गया हूँ। लेकिन आप झुक जाइए, आप नम्र हो जाइए, आपकी दुनिया शांत हो जाएगी, दूसरे की दुनिया शांत हो या ना हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि विवाद की स्थिति से बनने मत दीजिए, कभी भी कटु अनुभव आते हैं आप पोलाइट होकर के नम्र होकर के उसको बोलिए ठीक है भाई, आई एम वेरी सॉरी, बात कर रहा हूँ। पृथ्वी भाई घर परिवार में भी ऐसे होता है, मान लीजिए कभी हाँ होता है भाभी जी के साथ जब कहीं कोई टकराव होता है आपका, तो आप कई बार क्या होता है कि ये हिंदुस्तान के जो जनता है वो एक लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, तो इस पुरुष प्रधान समाज में जिस तरीके का भाव अभी आपने कहा कि भाई हम विनम्रता के भाव से माफी मांग के हम, तो घर में जब इस तरीके का कभी कोई छोटा मोटा टकराव होता है तो उस समय भी आप माने भाभी जी से भी इसी तरीके का व्यवहार अपनाते हैं कि वहां आपका पुरुषत्व जाग जाता है? यहां तो केशव जी हम आई एम सॉरी बोलते हैं, और घर में तो मैं आपको बता दूं हम चरणों में लौट जाते हैं कि भैया हमको तुम बहुत ही बहुत भूल हो गई, हम आज के बाद बिल्कुल ना करेंगे, तुम क्षमा कर दो हमको। और इसलिए हमने एक बार गाना भी बनाया अपनी पत्नी के लिए, मैं हंसाता बहुत हूँ जी, मैं अपनी पत्नी को हंसाने के लिए गाना बना दिया, मुझे चरणों में जगा दे मेरी प्यारी घर वाली, मुझे चरणों में जगा दे मेरी प्यारी घर वाली, मेरे रोम रोम में तेरा है नाम घर वाली, मुझे चरणों में जगा दे मेरी प्यारी घर वाली। देखिए आप उसको प्रसन्न कर देंगे तो आपकी दुनिया सफल हो जाएगी। हाँ, उसको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। वैसे भी मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कई बार जब कई सेमिनारों में जाता हूँ जी, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब आपको शिक्षा की जरूरत होती है तो किसकी पूजा करते हैं? हाँ। तो लोग कहते हैं सरस्वती की, सरस्वती। और जब मैं कहता हूँ कि आपको ताकत की जरूरत होती है तो किसकी पूजा करते हैं? तो लोग कहते हैं दुर्गा की। दुर्गा। और जब आपको धन की जरूरत होती है तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। तो जब दुनिया आपको इस पूरी कायनात में सारा ऐश्वर्य कहीं ना कहीं महिलाओं से प्राप्त होता है, तो महिलाओं से जूझने, महिलाओं से झगड़ा करने, महिलाओं को नीचा दिखाने का काम तो मुझे लगता है कि किसी को करना नहीं चाहिए। और आपने मैं आज विशाल खबर के माध्यम से जी आज मुझे मौका मिला है, ये जो चीज़ है, मैंने NDTV और आज तक के न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने बोले थे, आज मैं आज आपकी खबर में कह रहा हूँ, ये आपका जो इंटरव्यू बड़ा पॉपुलर होने वाला है। देखिए आज महिलाओं को सिर्फ मुखाग्र आप ऐसे बिंदी मत लगाइए, तारीफ मत कीजिए। मैं भी तारीफ करूँगा तो आप कहेंगे अच्छा बड़ा लल्लो चप्पो बता रहा जी, जी। नहीं, एक मातृत्व जो शक्ति होती है, मैं एक मामूली सी चीज से आपके रोंगटे खड़े कर रहा हूं जी। आज आप कितनी रोटी खाते? 3 रोटी कम से कम खाते? 3-4 रोटी 3 टाइम खाएंगे जी, 12 रोटी होती है जी। आपके परिवार में कितने लोग होंगे? कम से कम 4 लोग, 12 चौक 48 जी। 48 रोटी एक दिन में महिला ने बनाई जी, एक महीने में कितनी होती साहब? 1500 रोटियां होती हैं जी, 30 करिए जी जी, 1400 कुछ रोटी होती है, 1500 रोटी एक महीने में जी। एक साल में कितनी होती है? वही मतलब 12 महीना गुणा कीजिए जी, करीब 18,000 जी। भारतीय पुरुष की एक एवरेज उम्र 70 वर्ष जी, 18,000 में 70 का गुणा कीजिए,
10 लाख से ज्यादा रोटियां एक साधारण भारतीय महिला बनाती है जी, सब्जियों का, गाजर के हलवे का और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का जी कोई हिसाब किताब नहीं जी। एक साधारण भारतीय महिला जी अपने जीवन काल में 10 लाख से भी ज्यादा रोटियां, 15 लाख रोटियां बनाती है जी। मैं कहता हूं माँ को मैं सदैव नतमस्तक करता हूं, माँ नतमस्तक करने वाली चीज है जी। लेकिन 20 साल के होने के बाद आपको अगर पालन पोषण करती है तो वो आपकी पत्नी करती जी। तो मैं कभी कभी हंसी मजाक में स्टेज पे बोलता हूँ कि आज हमारे रगों में पत्नी का खून भी दौड़ रहा है देखिए, और उसको सम्मान देना चाहिए जी। जब आप उसको सम्मान देते हैं तो 10 गुना लौट करके सम्मान आपके पास प्राप्त होता जी। और सबसे बड़ी लक्ष्मी धन लक्ष्मी घर ग्रह लक्ष्मी है साहब जी। ग्रह लक्ष्मी को अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो फिर मूर्तियों को क्या सम्मान देंगे? मूर्तियां कभी आपने जीवित देखी हैं? कभी जीवित मूर्ति देखना है तो आपके घर में ग्रह लक्ष्मी है, उसकी पूजा कीजिए। और जब आप उसको सम्मान देते हैं तो 10 गुना सम्मान आपके पास लौट के आता है और आप पोलाइट होते हैं। माँ भी कभी न कभी पत्नी थी जी, माँ बाद में होती है, पहले पत्नी होती है। तो इसलिए हम मातृशक्ति को जो है, हम जो भारतीय हैं, हमारे भारत में जो संस्कृति है, हम मातृशक्ति की पूजा करते हैं। वो देवी है, वो दुर्गा है, वो शारदा है और वो काली भी है जी, जरूर पढ़ने और उसको शत शत नमन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसा कि किसी ने कहा था कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी सफलता में भी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल है महिला का हाथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी जी, अच्छा। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत सारी प्रेरणा दी, बहुत सारी जानकारी दी, जिससे निश्चित तौर पर हमारे दर्शक भी लाभान्वित होंगे। और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि विशाल खबर जब भी आपको आमंत्रित करेगा तो आप आते रहेंगे। मैं जरूर आऊँगा। भारत माता की जय।